हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रावणीज ब्लॉग। और आज का दिन में देखिए क्या हो रहा है। चुप कर ली। कहाँ गई वो परी? वही वो ना उसकी हालत ठीक नहीं है, नहीं तो भागती वो। अच्छा नहीं, अब तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा पहले झाड़ू। पूरे टाइम बंद कर देते हैं हम लोग, सामान निकालते बंद करते, लेकिन घुस कैसे नहीं पता नहीं। मम्मी, मेरे को तो डर ही लग रहा है। प्रतीक को बुलाया है, वही कर रहा है। इधर से इधर आ गई। अब इनको भी हटाओ सब। और मैं ये देखो सब निकाल के रखी हूँ अपना बनाने के लिए। मैं कितना टाइम वेस्ट होता है ना ऐसे में। नहा धो लिए तो क्या करते? हाँ तो ये अच्छा, सुबह सुबह दिख गई तो तुमने कार्यभार ले लिया। ये सिर बचाते हैं। मतलब ये ना कि काम कुछ करने गई थी, कुछ और हो गया और काम मेरा और बढ़ गया। चिपकली दिखी, उसे साफ करते करते उस जगह को, ये मेरे हाथ से ना ढक्कन खुल के ना टेढ़ा हो गया, तो ये सब नीचे गिर गया। इनको सबको समेटो, तो काम ही बढ़ गया कुल मिला के। सब खोल खोल के देखती है, उसको सब पता है कौन सी चीज कहाँ रखी ना काकी। हाँ अरे है ना। हाँ किसको का यार रखे। वेरी गुड। एक बहुत भारी ये बहुत कहाँ लिख लो, पर अभी है उसमें भरा हुआ है वर्क। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ जो बची हुई ब्रेड से ना कटलेट। इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स भी डालूंगी। तो इसमें मैं ब्रेड को ना अच्छे से पानी में सोक करके उसको निचोड़ दूंगी और आलू के साथ मैश कर लूंगी। और फिर इसमें सारी जितनी भी सब्जियां आप सोच सकते हो सब इसमें मिला सकते हैं। और गर्मी लग रही थी तो फिर मैंने फ़ैन भी चला लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा ना फ़ैन। और ये देखिए टिक्की बन के रेडी हो गई। जब मेरा ना गैस ऑफ रहता है ना तो मैं ऐसे फ़ैन चला लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि मतलब बहुत थकान लगने लगती है, बहुत पसीना आता है। फिर ये देखिए शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने से ना कम फैट हम कंज्यूम करते हैं, तो शैलो फ्राई करके देखिए। ये आपको काली काली दिख रही होगी। और पाखी यहीं बाहर डाइनिंग टेबल के इधर खेल रही है। तुम बोल रही थी मम्मा मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ, तो मैंने इसीलिए उसको रिकॉर्ड कर लिया। तब तक वो फ्राई हो रही है तो मैं भी फ्री थी। अब ये देखिए ये हो गई रेडी। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, दोनों तरफ से अलट पलट लिया है। ये काली काली दिख रही है क्योंकि इसमें बीट रूट है, वो जली नहीं है। और फिर मैंने सबसे पहले मम्मी को दिया और उनका रिएक्शन लूँगी वैसे आज। अब थोड़ा सा चेंज करके बनाया, तो ब्रेड को गीला करके उसमें मिला लिया। साइंस कॉलेज में बनाते थे। अच्छा, इसके पहले ब्रेड क्रम्स को करते थे ऊपर से लेयरिंग, अब इस बार अंदर ही डाल दिया। होम साइंस कॉलेज में ऐसा गीला करते उसमें आलू, एक वाला बनता है ना गीला करके उसके अंदर आलू भरते, वो भी तुम्हें कितने बार बनाए। बेसन में हाँ लिपटा लो और फिर तल लो। तली हुई चीज तो हर चीज अच्छी लगती है, किसी भी फॉर्म में बना लो उसको। संडे का रूटीन, कार वॉशिंग एंड कार सफाई।
और ये साइकिल भी थोड़ा पोंछ देना भाई। आज ये खेल जाएगा रात में, आज है संडे, 3 तारीख है, आज रात को ये खेलेगा। अब ये कब पोस्ट करूंगी पता नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी के टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसका मुंह खुल गया है ना, ये रात में खिल जाएगा। देखिए कितने प्यारे फूल लगे, ये तो 103 लग गए, इसमें अच्छे लग रहे हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, अब संडे है और सोच रहे थे मतलब कि कहीं जाएंगे, बट इतनी धूप है ना, देख रहे हो मेरी खिड़की से कितनी धूप आ रही है। हो गया था ना? नहीं बस हो गया, हाँ हो गया, वेरी नाइस। शुरुआत तो कब से हो चुकी थी, लेकिन अभी हम लोग की एक्चुअल दिन की शुरुआत हुई है। अब पाखी ने नहा लिया है, आते हो कितनी प्यारी लग रही है पाखी की ड्रेस, है ना पाखी? इससे अच्छे लगते हैं ना बच्चे फ्रॉक में, मेरे को इतना अच्छा लगता है, पर ये पहनना ही नहीं चाहती फ्रॉक। मैं उतारना चाहती हूँ, थोड़ी देर में उतार देंगे, ठीक है? देखा, पहनना नहीं चाहती बिल्कुल फ्रॉक, बताओ लड़की हो के फ्रॉक नहीं पसंद? हम लोग कितना फ्रॉक कितना अच्छा लगता था, इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स थे मेरे पास, ये पहनना ही नहीं चाहते। जीन्स और टॉप या घर में लोअर और टॉप, यही करना है उसको। पर कैमरा काम, कैमरा में नहीं, अच्छा ऑन नहीं किया? ओहो, अरे कैमरा ऑन ही तो है, कैमरा ये है, कैमरा में फोकस नहीं कर, ये इधर है। तो पाखी क्या बोलना चाहेगी, बोलो फ्रेंड लोगों से, है ना फ्रेंड्स? हेलो फ्रेंड्स, हेलो। देखो पाखी ने कितने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाए कि उसके फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्ट दे दो, मेरे फ्रेंड्स मांगने लगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तो हम नहीं दे सकते कि हम ही ने बनाया है, अपना दिमाग लगा, उन्हें खुद से दिमाग से बनाना चाहिए दिमाग। स्कूल के नोट्स तो हम दे देते हैं, पर प्रोजेक्ट हमने नहीं दिया। मम्मी यहाँ पर नीचे, बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, अभी 1 बज रहा है, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख पाएंगे कितना अच्छा मौसम हो गया, ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। वापरे सुबह जस्ट अभी 1 घंटे पहले इतना गर्म था, देखिए छाया भी हो गई है, कपड़े तो सब डाल दिए हैं, अब लेके आना पड़ेगा बरसात ना गिर जाए। अब हम जस्ट मैं अभी ऊपर आई हूँ खाना वाना खा के, देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, जस्ट अभी आए हैं खाना खा के, अब बस थोड़ा ये एडिटिंग वगैरह काम करूँगी। बाकी हल्ला कर रही है, इतना जोर जोर से हल्ला करती है ना, मेरे वीडियो में ही प्रॉब्लम होने लगता है कभी कभी साउंड का। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। आ गई उठ के, देखो पाके कितनी प्यारी लग रही है ना आज, देखो देखते आपको दिखाओ घुमा के, बस बस हो गया, देख रहा है, दिख रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, लड़कियां फ्रॉक पहनती तो सही में अच्छी लगती हैं। वाह, तो फ्रेंड्स मेरे पास ना एक सेल्फी स्टिक थी, प्रॉब्लम क्या हुआ ना, वो सेल्फी स्टिक से ना फोन खराब हो जा रहा, फोन में यहाँ लगाते हैं ना ऊपर,
तो फोन में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखा होने लगती है अगर सेल्फी स्टिक्स यूज़ करूँ तो, इसीलिए आजकल मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ना मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को कोई सजेशन देगा कौन सा अच्छा सेल्फी स्टिक मिलता है मार्केट में जिससे फ़ोन ख़राब ना हो, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग तो मैं फ़ोन से ही करती हूँ। तो पहला वाला फ़ोन मेरा ख़राब हो गया, मैंने अभी नया फ़ोन लिया है, मैंने रियलाइज़ किया कि वो शायद सेल्फी स्टिक से ही ख़राब हुआ था दब दब के, क्योंकि मैंने देखा जब वो दबाते थे ना उसको ऊपर से वीडियो बनाने के लिए, तो होता ये था ना कि उसमें कुछ लिखना अगर मैं जाती थी तो वो लिखने नहीं देता था, मतलब टाइप करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने नेगलेक्ट किया उस चीज़ को, मैंने सोचा कि होगा कोई प्रॉब्लम, जब हटा देते थे उससे स्टिक से तब चलता था और मैं उसमें लगा के रखती थी कॉन्स्टेंटली। तो धीरे धीरे करते करते ना फ़ोन ना मेरा जहाँ से हम बैक जाते हैं ना वो वाला जो कहते हैं कीपैड या जो क्या कहते हैं मालूम नहीं, वो ना चलना बंद हो गया अचानक एक दिन। और मैंने फिर एक डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर जिससे कि बैक जाने का होने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब फ़ोन गर्म होता था अपने आप ही कोई भी एप्लीकेशन खुल जाता था। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे फ़ोन के साथ, और मैंने ये अभी हमने जब ये फ़ोन लिया ना तो ऐसा लगा कि शायद वो लगाते हैं ना तो उससे ना फ़ोन में ना गड़बड़ होने लगती है, उसका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो अब से मैं सेल्फी स्टिक यूज़ नहीं कर पा रही, दिक्कत हो रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग के पास कोई अच्छा सेल्फी स्टिक का के बारे में जानकारी जिससे ख़राब ना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ये बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है आजकल मेरे को। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।